नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है किसान की घड़ी। दोस्तों इस कहानी को कहने का लब्बो रुबाब ये है कि शांति हमारे मस्तिष्क और मन में एकाग्र रहती है। यदि आप एकाग्र मन से जीवन की दिशा को निर्धारित करने में कामयाब हो गए तो उस दिन आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दिन भर में कुछ समय अवश्य अपने दिल की आवाज सुनिए, शांति से बैठकर मनन कीजिए, क्योंकि इस दुनिया के शोरगुल में, इस दुनिया की उलझन में, इस जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप खुद को नहीं जान पाओगे। बस इस दुनिया की भीड़ में चलते चले जाओगे और जब आंख खुलेगी तो बहुत पछतावा होगा। जीवन की ये दिशा खुद हम ही निर्धारित करते हैं और जब तक आपको इसका वास्तविक ज्ञान होगा तब तक आपके पास समय नहीं बचेगा। इसलिए कहता हूँ कि अपने मन की बात सुनने को कभी तो अपने लिए समय निकालो। दोस्तों ये बहुत मोटिवेशनल कहानी है। एक दिन की बात है, एक किसान अपने अनाज की कोठी में काम कर रहा था। उसी दौरान काम करते करते उसकी घड़ी कहीं गुम हो गई। वो घड़ी उसके पिताजी ने उसे गिफ्ट दी थी, जिसके कारण उसका उस घड़ी पर विशेष लगाव था। वो उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उसने कोठी के हर कोने में घड़ी को छाना। वो ढूंढता रहा लेकिन उसे घड़ी कहीं नहीं मिली। वो हताश होकर कोठी से बाहर आ गया। कोठी से बाहर आकर उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। वो बच्चों के पास गया और उसने कहा कि मेरी घड़ी कहीं गुम हो गई है, तुम अगर इस कोठी में से वो घड़ी ढूंढकर मुझे दोगे तो आपको बहुत इनाम मिलेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं, इनाम के लालच में तुरंत मान गए। बच्चों ने कोठी में जाकर घड़ी को खोजना शुरू कर दिया। इधर उधर हर जगह खोजने पर भी उनको घड़ी नहीं मिली और अंततः उन्होंने हार मान ली। चूंकि कोठी में बच्चों ने घड़ी कोने कोने में देख ली थी, इससे वो किसान उदास हो गया और समझ गया कि अब उसे घड़ी मिलने वाली नहीं है और उदास होकर एक कोठी के कोने में बैठ गया। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। बच्चा उस किसान से बोलता है कि अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं एक प्रयास और करना चाहता हूँ। किसान ने उसको इजाजत दे दी। बच्चा कोठी के अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान में तो जैसे जान आ गई, वो घड़ी को देखकर उछल गया। वो बहुत खुश हुआ। उसने आश्चर्य से उस बच्चे से पूछा कि तुम इस घड़ी को ढूंढने में कैसे कामयाब रहे, तुम मुझे वो रास्ता बताओ कि तुमने कैसे इस घड़ी को ढूंढा। किसान के बार बार पूछने पर उस बच्चे ने कहा कि मैं कोठी में जाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो गया और मैंने घड़ी की आवाज सुनने की कोशिश की। इससे कुछ ही देर में मुझे आवाज आने लगी और जिस दिशा से आवाज आ रही थी मैंने उसी दिशा में घड़ी को खोजना शुरू किया और घड़ी मुझे मिल गई। उस किसान ने उस बच्चे को बहुत इनाम दिया और बहुत शाबाशी दी। दोस्तों इस कहानी को कहने का लब्बो रुबाब ये है कि शांति हमारे मस्तिष्क और मन में एकाग्र रहती है। यदि आप एकाग्र मन से जीवन की दिशा को निर्धारित करने में कामयाब हो गए तो उस दिन आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए दिन भर में कुछ समय अवश्य अपने दिल की आवाज सुनिए, शांति से बैठकर मनन कीजिए, क्योंकि इस दुनिया के शोरगुल में, इस दुनिया की उलझन में, इस जिंदगी के उतार चढ़ाव में आप खुद को नहीं जान पाओगे। बस इस दुनिया की भीड़ में चलते चले जाओगे और जब आंख खुलेगी तो बहुत पछतावा होगा। जीवन की ये दिशा खुद हम ही निर्धारित करते हैं और जब तक आपको इसका वास्तविक ज्ञान होगा तब तक आपके पास समय नहीं बचेगा। इसलिए कहता हूँ कि अपने मन की बात सुनने को कभी तो अपने लिए समय निकालो। कहानी बहुत बड़ी सीख देती है। अपने लिए निकाला हुआ टाइम आपके जीवन का सर्वोपरि टाइम होता है। उस वक्त का जो यूज आप करते हो, जो शांति आपको मिलती है, जो दुनिया को पहचानने की ताकत आपको मिलती है, वो सिर्फ शांति से ही मिल सकती है। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।